तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों हमारे आज के चैप्टर का शीर्षक है माता का आंचल, जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय जी ने यहाँ अपने उपन्यास देहाती दुनिया से इस अंश को प्रस्तुत किया है। इस अंश में ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्रण पेश किया गया है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं। शहर के चकाचौन से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक बालक से जिसका असली नाम तारकेश्वर नाथ था, लेकिन उसके पिता उसको भोलानाथ कहकर पुकारते थे। भोलानाथ की परवरिश बहुत ही लाड प्यार से हुई थी। भोलानाथ रात अपने पिता के साथ ही सोते थे। पिता सुबह उठकर भोलानाथ को उठाते और नहला धुलाकर अपने साथ पूजा पर बिठा लेते। भोलानाथ के पिता उसके माथे पर शंकर जी जैसा तिलक लगाते थे, वह बबूत लगाते थे, जिससे भोलानाथ को खुशी महसूस होती थी। भोलानाथ अपने पिता को बाबूजी व माँ को मैया कहकर पुकारते थे। उनके सिर की लंबी लंबी जटाएं थी। बबूत रमाने से वह बम भोला बन जाते थे। बाबूजी के रामायण पाठ करते समय भोलानाथ आईने में अपना मुंह निहारते रहते थे। अपनी पूजा खत्म करने के बाद उनके पिताजी राम राम लिखते थे। 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। पिता गंगा से वापस आते समय भोलानाथ को पेड़ों की डालों पर झूला झुलाते थे। भोलानाथ अक्सर अपने बाबूजी के साथ कुश्ती लड़ते थे। उनके बाबूजी थितिल होकर भोलानाथ के बल को बढ़ावा देते थे। भोलानाथ उनके छाती पर लेटकर उनकी मूंछों को उखाड़ने का प्रयास करते थे। ऐसा करते हुए देख उनके पिताजी अपने पुत्र के छोटे छोटे प्यारे हाथों को चूम लेते थे। इस प्रकार तरह तरह की अटखेलियों से बालक अपने पिता को लुभाए रखता था। आगे लेखक बताता है कि भोलानाथ के पिता अपने पुत्र को अपने हाथ से ही दाल भात खिलाते थे, परंतु माँ को कहाँ संतुष्टि मिलती थी। माँ अक्सर पिता से कहती कि तुम थोड़ा थोड़ा खिलाते हो, इससे उसका मन भर जाता है, परंतु पेट नहीं भरता। माँ उसकी तरह तरह की चिड़ियों के नाम ले लेकर भोलानाथ को खाना खिलाती थी। माँ का मन करता था कि किसी तरह बच्चा अधिक खाना खा ले। तरह तरह की बातें बनाकर वह दही भात भोलानाथ को खिलाती थी। मना करने पर भी उनकी माँ बड़े प्यार से तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से टुकड़े बनाकर उन्हें खिलाती थी। खाना खाकर बाहर जाते हुए माँ उसे झपटकर पकड़ लेती थी और रोते रहने के बाद भी बालों में तेल डाल कंघी कर देती। कुर्ता टोपी पहनाकर, चोटी गूंथकर और फूलदार लट्टू लगाकर उसको बिल्कुल कृष्ण भगवान के रूप में बना देती। भोलानाथ भी रोते रोते जब बाहर आते अपने मित्रों के साथ मिलकर वो सब कुछ भूल जाते और उनके साथ खेलने में लग जाते। बालक भोलानाथ अपने मित्रों के साथ मिलकर घर के चबूतरों के एक कोने पर तरह तरह के नाटक खेला करते थे। कभी वहाँ मिठाइयों की दुकान लगाते, उसमें ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़ों के टुकड़ों के पताशे आदि मिठाइयाँ सजाते थे। कभी कभी वहाँ घरौंदा बनाते थे, धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातुन के खम्बे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, दिए की कढ़ाई, पूजा वाली आचमनी कलछी बनाते थे। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से भोज तैयार किया जाता था। इस प्रकार क्रियाओं में बाबूजी भी अपना पूरा सहयोग देते थे। कभी कभी वो नकली बारात का जुलूस भी निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा, टूटी चूहेदानी को पालकी बनाते थे। समधी बनकर बकरे पर बैठ जाते और चबूतरे के एक कोने से चलकर दूसरे कोने तक आते। इस प्रकार के अनेक छोटे छोटे नाटकों का वर्णन लेखक ने किया है। कभी कभी भोलानाथ की मित्र मंडली को खेती करने की सूझती थी तो चबूतरे को खेत बनाते, कंकड़ों को बीज और बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते थे। फसल तैयार होते देर न लगती थी और हाथों हाथ फसल काट ली जाती थी। फसल की एक जगह रख कर उसे पैरों से रौंद देते थे। इस बीच बापूजी आकर पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? फिर सब खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे।
आगे लेखक भोलानाथ की शैतानियों के बारे में बताता है कि कैसे कभी दूल्हे की पालकी चलती देख भोलानाथ और उसकी मित्र मंडली जोर जोर से चिल्लाने लगते, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी। इस पर एक बूढ़े दूल्हे ने बालक भोलानाथ को बड़ी दूर तक खदेड़ डाला। वैसा बेकार आदमी भोलानाथ ने कभी नहीं देखा। आगे लेखक बताता है कि आम की फसल में जब आंधी आती है तो आम पेड़ों से गिरने लगते हैं। भोलानाथ अपने मित्रों के साथ बागों की तरफ चले जाते थे। एक बार बाग से वापस घर आते समय बूढ़े तिवारी जी मिल गए तो भोलानाथ ने उन्हें चिढ़ाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने सबकी खूब पिटाई की। स्कूल में जब उन्होंने शिकायत की तो गुरुजी ने भोलानाथ की खूब खबर ली। भोलानाथ के पिता ये खबर सुनकर पाठशाला चले आए और अपने बालक को पुचकारने व फुसलाने लगे। भोलानाथ ने रो रो कर बुरा हाल कर रखा था। पिता ने अपने पुत्र हेतु गुरुजी से विनती की और अपने पुत्र को लेकर घर की तरफ आ गए। रास्ते में ही भोलानाथ अपने मित्रों के साथ खेलने लग गए। एक टीले पर जाकर यह मित्र मंडली चूहों के बिल में पानी डालने लगी। तभी उस बिल में से एक सांप निकल आया। सभी मित्र रोते चिल्लाते बेतहाशा भाग चले। किसी को कहीं चोट लगी, किसी को कहीं, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत फूटे। भोलानाथ की सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। जैसे ही भोलानाथ घर में घुसा, उसके पिता हुक्का पी रहे थे। उनके बुलाने पर भी बालक उनके पास नहीं गया, सीधे माँ की गोद में जाकर उसके आंचल में छिप गया। अधीर होकर माँ भोलानाथ से पूछने लगी और बड़े ही संकट में पड़ गई कि आखिर क्या हो गया है उसके लाल को। माँ ने झटपट हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर लगाई। घर में कोहराम मच गया। बालक सा 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 करते हुए कांप रहा था। वह आंखें खोलना चाहता था पर आंखें खोल नहीं पा रहा था। माँ बार बार उसे निहार रही थी और अपने गले से लगा रही थी। इसी समय उसके पिता दौड़े आए और आकर झट मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। परंतु बालक ने अपनी माँ का आंचल नहीं छोड़ा और माँ से चिपका रहा। तो दोस्तों, ये स्टोरी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, इस कहानी में लेखक ने ये दिखाने का प्रयास किया है कि बच्चा चाहे लाख अपने पिता के पास समय व्यतीत करता हो, लेकिन भरपेट खाना तो उसे माँ ही खिला पाती है। बच्चा चाहे अपने पिता के बहुत निकट हो, लेकिन घोर विपत्ति आने पर उसे माँ की गोद में ही सुरक्षा महसूस होती है। इसीलिए इस कहानी के लिए माता का आंचल शीर्षक रखा गया है। यह सही है कि इस कहानी में बच्चों का अपने पिता के साथ अधिक जुड़ाव दिखाया गया है, लेकिन बच्चे अपनी माता और पिता को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। जब उन्हें अत्यधिक असुरक्षा की भावना घेर लेती है तो वह अपनी माँ से सहारे और सांत्वना की उम्मीद करते हैं। पिता से बच्चे बाहरी दुनिया के बारे में सीखने को अधिक उत्सुक रहते हैं। माँ ममता की स्नेह मूर्ति मानी जाती है। शायद इसीलिए वह बच्चा विपदा के समय अपनी माँ की शरण में जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान।